हेलो गाइस, क्या हाल है। ब्लॉगिंग करना फिर से शुरू किया है और आज है कितनी तारीख है, 27 जून। आज 27 जून 2023 है और समय हो रहा है अभी के कुछ 12:30 और अभी जा रहे हैं हम लोग फिलहाल सतना। सतना क्यों जा रहे हैं, क्योंकि चलो बता ही देते हैं क्या छुपाना। जा रहे हैं हम लोग सतना क्योंकि करानी है गाड़ी की सर्विस और कुछ नई चीज़ें, कुछ नए अपग्रेड करवाए हैं जो आपको वहाँ पहुँच के दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो गाड़ी चल रही है, हम अनुभव बस वाले जाने नहीं देते। तो रास्ते देखो और इन्जॉय करते हैं और चालू करते हैं आज हम लोग टाइटेनियम इको स्पॉट टाइटेनियम। इको की तरह चल ही नहीं रही है। कौन सा गाना लगाए यार, दबा हुआ है उसमें वजह है। चलो ये लगा सिद्धू मूसे वाला, बस तुम दिल की बात कर लिए। ये गड्ढा जो है कई सदियों पुराना है, पिछले युग में बना था। नहीं है, नरक का द्वार है, नरक का द्वार। इससे जिसकी भी गाड़ी जाए उसका या तो पक्का आगे का बम्पर आना है, और जो छोटी गाड़ियां हुई का तो भैया खेल खत्म सीधे। इस हड्डी किसकी पड़ी है भाई, हड्डी की कपड़ा, हड्डियां हैं, हड्डियां कपड़े के नीचे हड्डियां हैं। अरे भैया तो भूत प्रेत बाधा वाले हैं रास्ते में फेंक फेंक चले। रीवा सतना वालों को भी एक टोल भी मिल गया है। जिस रोड में पहले आज तक पैसा नहीं देना पड़ता था, आज उस रोड में भी पैसा देना। ठीक है, देंगे, सरकार है, क्या ही कर सकते हैं, लेगी तो देना पड़ेगा, देना तो पड़ेगा। ऑप्शन है कुछ, ऑप्शन तो कुछ लूट लो ले। रिमार जगह है, कोई रिमार जगह है भैया, रीवा के आगे है रिमार। ठीक है, तो क्या कहीं भी जा रहे हैं और अभी तो बहुत टाइम लगेगा और आज शायद कसरत या जिम भी जो भी आप कहें सब छूटने वाला है। आज ऐसा लग रहा है अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, सहलेंगे थोड़ा पड़ेगा। जिंदगी में जो बिट सहना सीख गया वो बहुत कुछ सीख जाता है भाई। झांसी है, झांसी तो जाने नहीं है, सतना 31 किलोमीटर, आधा भी गए भाई, आधा हो गया रास्ता। 100 पे भग रही है, 100 पे गाड़ी चल रही है, रप्पा रप भी पता है। ये देखो रप्पा रप, ये दिख रहा है, ये देखो 100 में एकदम रप्पा रप भग रही है। दुकानें होंगी लगातार, मतलब ऐसा लग रहा है बड़ी छोटी छोटी दुकानें हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप का। अच्छा बना रहे हैं यार, मतलब डेवलपमेंट है कि यहाँ से डाल जो यही चलो ना, ये सीधा सीधा यही चलते चले अंदर से। क्यों अंदर खाली है, फालतू 8-10 किलोमीटर जाते हैं, रप्पा रप पहुँच जाएंगे। खैर उस तरह की रोड भी है तो ले रहे हैं, तो पर एक फिर भी 50-60 ठीक है, 50-60 90 बहुत ज्यादा टैक्स है भाई, बहुत है यार रोड टैक्स। अब पता क्या गाना लगाए यार, वो वाला लगाते हैं तब अंकल का ब्रेक। अंकल लोगों को भैया एकदम सट से मुड़ते हैं, एकदम सट से मुड़ के बीच में आकर रोक देंगे, ले खेल खत्म भैया। नजर रखे हो। अरे भाई आगे ब्रेक, कुछ। अरे भैया गौ माता ओपी, अरे गौ माता तो वो डिस्को डांसर। ये देखिए, ये होते हैं महानुभाव लोग, ये देख रहे हैं। ये भाई साहब ऐसे गाड़ी चलाते हैं, फिर इधर रुकते हैं, फिर इधर रुकते हैं, राइट लेफ्ट ऐसे कुछ ही आके ब्रेक मार रहा था भाई, लग रहा था क्या नंबर नोट कर।
अत्य भाई साहब लोग गाड़ी बहुत गंदी चलाते हैं रीवा में, बहुत रैश ड्राइविंग होती है। अभी भी देख लो ये कुछ चुन मची है एकदम मस्त, सट 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 जा रहे हैं। अरे वाह भैया, तो इधर ही रह लो या तो उधर ही रह लो, इस लेन में है ना उस लेन में, और भाई को अपने पूरे लेन में चलना, पूरी सड़क उसकी है, समझ रहे हो, पूरी सड़क उसका, जैसे मन पड़ेगा वो वैसे चलेगा, कोई नहीं रोकेगा उसको। क्या बात है, ये देखिए या क्या बात है भैया, अरे वाह। वही साला चलते चलते रुक गया, खड़ा हो गया, हम जस्ट पीछे थे, हम फट से फिर ऐसे गाड़ी कटी है। अभी इनका क्या जाएगा, इनका कुछ जाएगा नहीं, हमारा कुछ बचेगा नहीं, लोहा देखो भाई साहब कटे। अरे क्या बात है भाई, कोई सोच सकता है ये हाईवे है, ये ऊपर ये और ये मस्त है। हाँ ऑफ रोडिंग के मजे दिलाते हैं आपको, वाह क्या बात, व्हील ड्राइव में ऑफ रोडिंग के मजे देख रहे हो, मतलब एकदम गड्ढा है, एकदम चरचरा जाए गाड़ी जाके, फुल एकदम व्यवस्था रहती है हर चीज की, गाड़ी घुसे फन्न से, आपकी गाड़ी में लगे फन्न से, आप हो जाए खेल खत्म, लाओ 10,000 भाई ऐसी तो कंपनियां चलेंगी, ऐसी तो सर्विसेज चलेंगी लोगों की, जब तक आप तोड़ के गाड़ी नहीं लाओगे तब तक बनेंगे कैसे। ये देखो कार बाजार पिंटू, कार बाजार बुलेरो स्विफ्ट, तीन गाड़ी है, वही उठा लेते हैं लोग 50,000 दिल्ली से, बढ़िया माल खरीदते हैं भाई। जेपी की है ना, ये वाली जेपी नहीं, ये पीछे वाली जेपी है, ये बिरला है हमारे, ये बिरला है शायद, अभी इसके नीचे बड़ी एकदम थी, आप पता नहीं अब समय याद नहीं हो सकता, 6-7 साल पहले मस्त एकदम ऐसे पत्थर निकले हुए होते थे इस रोड से, मस्त एकदम गाड़ी चलाते एकदम मस्त घड़ हाँ उड़ के चले जाओ भाई साहब, हाँ उड़ो उड़ो, चढ़ा दो हमारे मुंडी के ऊपर, कौन है भाई, जबरदस्ती की चलनी पड़ी, बुलेरो उड़ जा, बुलेरो बुलेरो यूपी 78 चलो, इतनी भी हिंदी आती भाई क्या, गुजरे नहीं है 78 के डिम्पल है पीछे भाई, अपना बहुत अच्छे से गाड़ी चलाता है, ये देखो बम्पर पीछे लेफ्ट हैंड मस्त एकदम तुझका है, टिंपल खन्ना ना, कोई टिंपल खन्ना थी नहीं है, स्टील सी अक्षय कुमार की बीवी है ना, अबे सासू अम्मा है, अच्छा इतना आइडिया नहीं, मतलब कुछ तो डिंपल, तो उसका क्या नाम है, ट्विंकल ट्विंकल, हाँ ट्विंकल डिंपल, देखो ना कितना अच्छा राइम होता है, ट्विंकल खन्ना की माता जी है, बताओ खुद ही नहीं पता है, हमको पता है, तो क्या है ट्विंकल कौन है डिंपल कौन है, ट्विंकल अक्षय कुमार की वाइफ है, डिंपल अक्षय कुमार की सास है, उठवा लिया जाए जो भी है, बहुत अच्छे नाम है, नहीं नहीं तुम ये प्लीज कट इट, कट ये सब एडिट में चला जाए, वो तो सब मेरे ही हाथ में ठीक है पर बढ़िया है ये देख रहे हो भाई, एकदम पूरा बिरला का एकदम साम्राज्य है, ये देखो ये फिर यहाँ पे तोड़ने का गाड़ी बंदोबस्त, ये सब पूरा हॉस्टल है, फैला हुआ बिजनेस है हमारा, मेरे पास खाने को देख रहे हो, ये देखो क्या है, ये केला, काहे खा रहे हैं क्योंकि आज है हमारा फास्ट, बस क्या करें फास्ट में और खाने को मिलता ही क्या, केला ही खा सकता है इंसान, रोटी टोयोटा बेचारी स्ट्रगल कर रही है, अरे वाह हम टोयोटा पीछे बलिनो ग्लांजा बलिनो, तो नाम बताए थे भाई क्या नाम है, भटन मारा ये बोलता है ये रास्ता जाएगा भटन मारा सीधे, हम बोले अच्छा, हम बोले उतर के पूछ लेना जरा कहाँ जाता है, 4 बार भैया हमारे मामा जी हमको 4 बार घुमवाए,
उसके बाद भी सही नहीं ले गए, आखिर में सही रास्ता हम ही लेके गए। क्या गाड़ी वाले लहरा रहे तो हम भी बच बच के आ रहे हैं अब। ये देखो भाई साहब, ये क्या बात है, ये सिग्नल है हम चल रहे हैं। अभी सिग्नल खुला है बंद है कुछ नहीं पता, पर है भाई जो है सो है। इधर से भी गाड़ी, ये भाई जेसीबी, इधर से भी गाड़ी आई। ये मुड़ा भाई, ये मुड़ा, ये क्या बात है भाई, पूरी ट्रेनिंग लेके आया है, कोर्स किया है। घोगा कैसे खोले, घोगा खोलने की टेक्निक लेके आए। अब ये देखिए, अब ये सिग्नल खुला है ना, ये ग्रीन लाइट। अब यहाँ देखिए कैसी मचती है भसड़ भैया, यहाँ सबको जल्दी है भाई। आयकर विभाग सतना ठुकवा दिए तुम। स्विफ्ट वाले जिंदगी में, स्विफ्ट वाले भाई चाहे शादी की गाड़ी हो चाहे जो हो, फ्यूल का पेट खा ले, फ्यूल रिजर्व में लग गया। बत्ती दिखा दी है भैया, तेल पिए, खून पीती है, तेल पेट्रोल गाड़ी वाले जितने वही समझ सकते हैं कितना। और जो एमपी में है वो तो और, दुनिया में सबसे महंगा तेल एमपी में मिलता है, 111 रुपया लीटर। दुनिया में नहीं, दुनिया में इससे भी महंगे हैं भाई। अपना अपनी दुनिया एक भारत ही है। ये इस भारत में सबसे महंगा तेल यही है, और कहीं नहीं है पूरे भारत में तेल। कहीं भी चले जाइए, कोई भी स्टेट ले लीजिए, कहीं इतना महंगा तेल नहीं जितना एमपी में। जबरदस्ती का महंगा है भाई, जबरदस्ती का महंगा। क्या बोले अब इंसान, देगा चुसवाएगा अपनी जेब, क्या करेगा। खून पीते हैं खून भाई। लैम्बोर्गिनी ले लें हम तो फिर उखड़ जाएंगे। आएगी बोले, लैम्बोर्गिनी ज़्यादा हो गया, इतना नहीं, फिर भी फॉर्चूनर तक तो सोचे हैं, उतना ही जेब उखड़ जानी है इंसान। डिवाइडर रोड चौड़ी करने के लिए। डिवाइडर भी रोड घेर रहा था ना, डिवाइडर की गलती है, वो बीच रोड में बना हुआ है, डिवाइडर घेर रहा था, जगह लेते इतनी पोर दी है, तोड़ दी है, जगह बच जाएगी, जगह फैल जाएगी ट्रैफिक के लिए। अरे भाई क्या बात है, कहाँ से जाओगे, चढ़ जाओ इसी के ऊपर, टपा दो गाड़ी सीधे। अब ये रोड भी एकदम खत्म हो गया है सब, यहाँ रोड तो बहुत ही अच्छी है। ये हम कभी क्या, थोड़ा सा डिस्टेंस बची है सर्विस सेंटर में, ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, हार्डली 1.5 किलोमीटर होगा या उससे भी कम ही होगा भाई। क्रोमा यहाँ भी खुला है, खतरनाक नाम है भाई, रॉकी भाई यहाँ बिछाए KGF डोसा, रॉकी भाई डोसा पलटिंग, रॉकी भाई पर्सनली डोसा बनाते हैं। ऐसे नहीं हो जाता इंसान फ्रस्ट्रेट, रोड कर देती है, चलने वाले लोग कर देते हैं, सिविक सेंस है ही नहीं है चलने का कि भाई रोड में चल इंसान, मतलब कितने भी अच्छे मूड्स में घर से निकला हो, ये देखो आओ सामने आ जाओ, लेट इंसान इंसान कितने भी अच्छे मूड से निकला हो भाई, बाहर निकल के इन रोडों में खत्म हो जाता है भाई इंसान का सब, एकदम लगता है कहाँ चले जाए, कहाँ घर पहुँच जाए, नहीं चलना रोड में ही नहीं चलना। बसों में अब जो लगाते हैं ना, अब बहुत लोगों को शायद पता ना हो, बस की स्पीड में रेगुलेट करने के लिए बस के अंदर गवर्नर लगाया जाता है। गवर्नर वाले गवर्नर नहीं है, दूसरा गवर्नर एक यंत्र उपकरण होता है जिसको लगा देने से बस की एक जो स्पीड है वो तय हो जाती है। तो गवर्नर जब आप गियर बॉक्स देखेंगे उसको खोलेंगे तो उसके अंदर एक इतना बड़ा सा चीज़ लगती है, उसको कहते हैं गवर्नर। उससे क्या है, क्योंकि बच्चे बैठे हैं गाड़ी में तो ज़्यादा तेज़ चला नहीं सकते,
और बस को भगाने का कोई मतलब भी नहीं है, जितनी बच्चों वाली बस है वैसे कोई बस को इतना नहीं भगाना चाहिए, बसों को उसमें ही लगा रहता है गवर्नर। तो क्या इससे शहर के अंदर मैक्स लिमिट जो बस वालों की है, स्कूल बस ड्राइवरों की, उनकी 40 से 60 हो जाती है। 60 भी बहुत हो गया, 40-50 पान के पीक भरे हुए अंकल मस्त मुँह में। अंकल बताया जहाँ अंकल को जगह मिलेगी अंकल, में रोड खत्म हो गई है एकदम, चलने लायक नहीं बची भाई, दो गाड़ी इकट्ठा निकल जाए जाम लग जाता है यहाँ, जबरदस्ती का जाम। उधर ही गई हो जिमनी, अच्छी गाड़ी। मारुति सुजुकी नेक्सा सतना भाई, जिमनी लगी है आगे, ये है जिमनी, एक नंबर लगती है, टेस्ट ड्राइव चल रही लगता है जिमनी की। यस सही है भाई, गाड़ी है जिमनी, ये विटारा ब्रीजा है ना, फ्रांक्स फ्रांक्स मेरा मुड़े में ना गिरा है दादू, लगी गाड़ी लगी है ना, तो यही केला ही खाना है, इसको लेके चलते हैं। ये रे भैया मोबाइल, तशरीफ को आराम मिले कुछ अब। ये सीट बेल्ट पहले खोलना पड़ेगा प्लीज। अब आ गई है कार सर्विस के लिए, देखते हैं बात करते हैं कितने टाइम लगेगा सर्विस होने में और क्या चार्जेस हैं, क्या काम होना है। जो भाई इसमें काम होना सबसे ज़्यादा वो थी इसकी स्टेयरिंग का, कुछ एसी से बहुत आवाज़ आ रही थी तो वो एसी की आवाज़ सही करवानी है, और एक काम था, क्या था, सेंसर, इसका जो पीछे सेंसर होता है ना, ये सेंसर में दिक्कत जा रही थी, ये जब बैक करो तो टू 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 बजने में दिक्कत जाती, तो ये सेंसर अब शायद चेंज होंगे या बदलेंगे। 9-1 ठीक है, हो गया ठीक। कहाँ दिलीप भैया रहे के? तो बैठे हैं बाहर, ठीक है। अभी फिलहाल कार की टेस्ट ड्राइव हो रही है, तीसरे गियर में हल्का सा क्लच उठ रहा है, मेरे को वाइब्रेशन टायर तो नहीं लगे, अभी 3-4 दिन बैलेंसिंग काम करा है, बैलेंसिंग अलाउ भी नहीं डाले थे, तो बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट तो वही नहीं थी, अलाउ भी नहीं डाले, हाँ पहले रिम ना थी 75,000 समथिंग का तो अलॉय पड़ा है, डायमंड कट वाले, हाँ हाँ वो वहीं से लिए थे, सही और नहीं, हाँ खुलने के बाद लिए, सस्पेंशन का तो पूरा आवाज बनी से प्ले उस लोवर आर्म चेक होगा, स्टीयरिंग चेक होगा, वो खड़ी है भाई साहब अपनी, भाई अब अपन गाड़ी के चैसी के नीचे, जो अभी फिलहाल इसमें ज़रूरत है वो है खाली, ये देख रहे हो आप, ये सर ये यहाँ का पेंट जो है रबर पेंट वो निकल गया है, वो लगाना है, बाकी भाई चासी में तो कहीं दिक्कत नहीं है आगे पीछे, क्योंकि अपन रैश ड्राइविंग करते नहीं ज़्यादा, तो कहीं से चासी दबी भी नहीं है, बाकी ठीक।
सो अभी मंगा लिया है जोमेटो से, क्या है इस पे, एक ग्रिल्ड सैंडविच है और दो लस्सी हैं। मेरा तो फास्ट है तो मैं खाऊंगा, लेकिन बड़े भाई हैं उनके लिए सैंडविच आ गया है, उन्होंने मंगाया है, और मेरे लिए एक लस्सी बस। और ये चाय है, चाय की चुस्की अपन लेंगे। बाकी गाड़ी का काम चल रहा है। स्टेयरिंग रॉड पहले बदलने का था, लेकिन फिर हम लोगों ने स्टेयरिंग रॉड नहीं बदली, हमने देखा कि प्रॉब्लम क्या है। तो ग्रीसिंग से काम अगर हो जाएगा तो फिर बदलने की नौबत नहीं आएगी। तो ग्रीसिंग से काम हो जा रहा था तो फिर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा गाड़ी में ख़राब था, डिफॉगर ढंग से काम नहीं करता था पीछे वाला, और रिवर्स पार्किंग सेंसर प्रॉब्लम दे रहे थे। अब शायद उसमें कार्बन जमा है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो देखते हैं भाई। और फिर जैसी हो जाएगी तो फिर निकलेंगे। अभी फ़िलहाल थोड़ी सी पीऊँगा चाय और लूँ, आई हैव सम लस्सी। लस्सी भाई एकदम पैक करके दी है क्या इन्होंने, डिब्बे में है कि? हाँ ये तो ठीक है भाई, काम एक नंबर है, अच्छी पैकिंग करके दिए हैं भाई साहब। अच्छा तो फिर खा लूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। ये हमारे भाई साहब लगे हैं इंस्पेक्शन करवा रहे हैं। सही है, वो खड़ी अपनी धन्नो, सर्विस हो गई है, वॉश हो गई है, फाइनल पोछ पाछ के बस मिल जाएगी, फिर पेमेंट करके निकल लेंगे भाई। कार के सेंसर की प्रॉब्लम है, रिवर्स पार्किंग सेंसर की, फिगर आउट कर रहे हैं क्या है। हेलो भैया, क्या हाल है? बढ़िया है भैया। बढ़िया है, कैसा रहा फीडबैक? मैं जेब खाली हो गई है। जेब खाली हो गई, जेब खाली हो गई है, और बहुत पैसा लग गया है ना साला। समझते हो, एक तो सेंसर कितने रुपए का? 1100। 1100 रुपए का इतनी छोटी चीज आती है? बिल में देख रहे हो 550 ही था। बिल में 550 है। बिल ही कमाने का आदमी। हाँ बिल ही कमाने का, फिर भी बताओ इतनी सी चीज का अगर 500 भी है तो बड़ा महंगा। तो 500 की छोटी इतनी सी बड़ी चीज लगती है भाई। बहुत हो गया, हम साला बाहर से ले लेंगे। हाँ बाहर भले, खैर जो भी 200 रुपये में कम मिल जाएगा। हाँ बाकी ओवरऑल अपन चाय तो बहुत पी है, चाय कॉफी कॉफी एक ही कमक पिए। चाय दोबारा बोले थे तो कहाँ आई थी? तुम बोले थे तो आई थी चाय, हमको मिली है। जब तुम बोले थे कि तो चाय एक चाय ले आइए, तुम उधर गए थे सेंसर देखने, तो चाय पाए हैं। अच्छा ऐसा? हाँ बोले भैया की चाय भी रख ली है। बोले भैया कि आप ले जाइए, जब आएंगे तब आप दे दीजिएगा, अभी ठंडी हो जाएगी रख के। ऐसा चाय लाया था भाई, जितनी बार बोले उतनी चाय कॉफी पानी। चाय लाने की चाय चाय तो खूब पिलाते हैं, बैठाते हैं तो चाय तो पिलाएंगे। हाँ तो हो गया, अब यहाँ से निकल रहे हैं। ओवरऑल अच्छा एवरेज एक्सपीरियंस रहा, और टाइम काफ़ी लग गया, बहुत समय हो गया अपने को आया ना। कितने बजे आए थे अपन? डेढ़ बजे आए थे, 6 बज गए, 7 बज गए, 6 घंटे लग गए। 6 घंटे बहुत होते हैं। टोयोटा वाली सर्विस थोड़ी है। हाँ टोयोटा फॉर्चूनर है, देखो टोयोटा होते तो अभी 60 से 2 घंटे में काम करता। हो गया कोई बात नहीं, सेलिंग काम हो गया। पर वही थोड़ा सेंसर की अभी दिक्कत है, सेंसर अभी ढंग से काम नहीं कर रहा। वहाँ जब लगाया गया तब तो अच्छा चला, फिर अब लगाए तो फिर नहीं चल रहा। अब लगता है दूसरा वाला भी रिप्लेस ही कराना पड़ेगा, पर वो अभी नहीं, भी वो बाद में जब कभी आए सो मौका बन जाएगा। बाकी अब निकल चुके हैं, फिलहाल जाना है अपने मौसी के घर, वहाँ से फिर फ्री होके फिर निकलेंगे। अरे आंटी जी बात है भाई साहब, ये देखिए ऐसे लोगों को कैमरे में लेना लेना चाहिए, शायद कहीं से देख लें तो इनकी बुद्धि आ जाए कि रोड में बिना इंडिकेटर दिए नहीं मोड़ना चाहिए। क्या ही बोलेंगे जा। तो भैया ये है बिल, ऊपर की मैंने लाइन छुपा दी हैं जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन है। बाकी जो चार्ज भैया ये देखिए, इसमें आपका एसी ऑयल, कूलेंट, ब्रेक फ्लूइड, प्लग ऑयल ड्रेन, सेंसर, डिस्टिल्ड वाटर, कैबिन एयर फिल्टर, स्क्रीन वॉश, दुनिया भर की चीज़ें हैं।
इतने का पैसा मिला के बनता है 9000 समथिंग रुपए। भाई आज के टाइम पे लेबर ज़्यादा महंगे, गाड़ी के पार्ट्स ज़्यादा, लेबर महंगे हैं भाई यार। ये है इधर का बिल और ये है बाकी। ये देखो ये लिखा है अमाउंट 9217। सो अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया है, नेशनल हाईवे में है, रीवा सतना के बीच में कुछ 10-12 किलोमीटर है रीवा, और यहाँ ब्रेक लिया है के थोड़ा सा पानी वानी पी के फिर निकलेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे। दिख रहा हूँ, अरे साला कैमरे में दिखता है कुछ नहीं। एक बात तो आप सभी को बताना ही भूल गया, हमारा भैया फास्ट टैग का रिचार्ज ही खत्म हो गया। अरे यार ये रोशनी नहीं है, फास्ट टैग का रिचार्ज ही खत्म हो गया, एंड गेस व्हाट, हम हो गए हैं हॉट लिस्ट। सो NHAI वालों का कहना है कि 10 मिनट लगेगा हॉट लिस्ट से रिमूव करने में आपको। खड़े हैं भैया, क्या करें हैं? अभी तो टाइम है, 5-7 मिनट हो गए हैं, 2-4 मिनट और खड़े रहेंगे फिर देखते हैं। भैया रिचार्ज ख़त्म हो गया, ठीक कोई बात नहीं, अब कर लिया है रिचार्ज, वेट कर रहे हैं 10 मिनट कहाँ है, फिर उसके बाद ब्लैक लिस्ट हॉट लिस्ट जो भी होता है उससे निकलेंगे और फिर जाएंगे। हैं NFS का गेम भी याद आ गया, खूब अंडरग्राउंड खेला है, खूब हॉट लिस्ट ब्लैक लिस्ट हुए है ना, मस्त लग रहा है ना, चौचा कहलाए हैं एकदम। ये भाई फाइनली पहुंच गए घर, और टाइम हो रहा है रात के 11:40। सो बहुत ज़्यादा पसीना हो गया यार, नहाऊंगा फिर सो जाऊंगा। चलो तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग।